सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए। इसी तथ्य को हमारे भारत के बैंकरों ने सच कर दिखाया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव और आज का हमारा जो ये वीडियो है वो एक ट्रिब्यूट है, एक योगदान है उन साहसिक, उन कर्तव्यपरायण बैंकरों को जिन्होंने पूरी निष्ठावान, पूरी लगन के साथ भारत सरकार के फैसले, यानी कि भारत सरकार के जो नोटबंदी के जो फैसला थे उसको 100% 100% सार्थक किया है। तो दोस्तों, आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि हमारे बैंकरों को दिया गया ट्रिब्यूट हमारे बैंकरों के योगदान से परिपूर्ण इस वीडियो को आप पूरा देखें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आज 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी ये मुद्राएं कानून हमारे। प्रिय दोस्तों, 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे हमारे प्रधानमंत्री द्वारा किया गया फैसला कि 500 और 1000 के नोट आज मध्य रात्रि से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, जब ये फैसला आया तो हमारे मन में एक होड़ सी मच गई, हमारे मन में ऐसी होड़ मच गई कि हम किसी भी तरह अपने 500 या 1000 के नोटों को, हमारे मन में ऐसी दुविधा का उत्पन्न होना जायज भी है क्योंकि सरकार ने इस कार्य हेतु एक अवधि तय कर दी थी। तो दोस्तों, इस परिस्थिति में भी हमारे भारतीय बैंकरों ने जो योगदान दिया है, जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो कि देश को समर्पित है, वो कभी भी भूला नहीं जा सकता। उनकी शारीरिक स्थिति रहे, मानसिक स्थिति रहे या पारिवारिक स्थिति रहे, सभी को भुला कर, सभी को दरकिनार करते हुए हमारे देश के, हमारे भारत देश के बैंकरों ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया सरकार के इस फैसले में।
और दोस्तों, ऐसी कठिनाई परिस्थिति में भी, ऐसी गंभीर परिस्थिति में भी हमारे भारत के बैंकरों ने, जो साहसिक और निडर बैंकर हैं, उन्होंने एक साहसिकता का परिचय दिया। अपनी सारी समस्याओं को एक तरफ रखकर हमारे देश की जो प्रथम कार्य है, यानी कि जो हमारा देश का नोटबंदी का जो सरकार का फैसला था, उसको साकार करने के लिए हमारे भारतवर्ष के बैंकरों ने अपना एक महत्वपूर्ण, अपने जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण योगदान देकर सरकार के इस फैसले को सफलतापूर्वक उसके अंजाम तक पहुंचाया। भ्रष्टाचार, काला धन एवं फेक करेंसी से ग्रसित इस देश को इस रोग से मुक्त करने हेतु सरकार के लिए गए निर्णय में हमारे देश के बैंकरों ने सरकार का कदम से कदम चलकर साथ निभाया। रात दिन एक करके वे बैंकों में लगातार काम करते रहे एवं अपनी पारिवारिक स्थिति को दरकिनार करते हुए, अपनी शारीरिक परेशानियों को भूलते हुए उन्होंने रात दिन एक करके हमारे सरकार के इस फैसले की, जो कि नोटबंदी का फैसला था, जिससे हमारा जो करेंसी का, जो फेक करेंसी का, काले धन का और भ्रष्टाचार का, आतंकवादी गतिविधियों का जो दर्शन हो रहा था, उससे मुक्ति दिलाने के लिए सरकार को बहुत ही सहयोग किया। दोस्तों, हमें एक बात और नहीं भूलनी चाहिए कि प्रधानमंत्री द्वारा अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनाएं, अत्यंत जो लोक कल्याणकारी योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी कि PMJDY, अटल पेंशन योजना यानी कि APY, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT अथवा प्रधानमंत्री योजना मुद्रा योजना, इसमें भी हमारे देश के निष्ठावान बैंकरों ने सरकार का साथ बखूबी निभाया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 15 अगस्त को सरकार द्वारा किए गए ऐतिहासिक ऐलान के मद्देनजर हमारे भारत के बैंकरों ने अत्यंत ही साहसिकता का परिचय देते हुए करोड़ों अकाउंट खोले गरीबों के घर जा जाकर, और उनकी इस योगदान को हम कैसे भूल सकते हैं। अपने बैंकरों के योगदान से परिपूर्ण इस वीडियो में मैं अपने बैंकरों, अपने भारतीय मित्रों, अपने सहयोगियों, अपने दोस्तों से बस यही कहूंगा कि बढ़े चलो अपने पथ की ओर, हर कठिनाइयों को पीछे छोड़ कर्तव्य परायणता का परिचय देते हुए, हे भारत के वीरों, हे भारत के बैंकरों, बढ़े चलो अपने पथ की ओर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था कि हम अपने बैंकरों के, अपने जो हमारे बैंकर हैं, भारतीय बैंकर हैं, उनके योगदान को हम कभी ना भूलें कि कैसे उन्होंने नोटबंदी जैसे परिस्थिति में भी सरकार का जो फैसला है, सरकार का जो निर्णय है, उसमें साहसिकता का परिचय दिया। इसी वक्तव्य के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।